दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया के सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले व्यक्ति के बारे में और एक ऐसी जगह के बारे में जहां पे मरने से पहले खुद के लिए कब्रिस्तान में जगह खरीदनी पड़ती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। दोस्तों लोग बाग ताजी हवा खाने के लिए क्या नहीं करते, अभी आप जिन्हें पीछे देख रहे हैं वो बेल्जियम के एक आर्टिस्ट है जिन्होंने फ्रेश हवा खाने के लिए अपने मुंह के सामने एक पौधों से भरा बॉक्स लगा रखा है। दोस्तों क्या आपको पता है अमेरिका और मलेशिया में साइलेंट कैफे है जहां पर लोगों को इशारे में ऑर्डर देना पड़ता है। इन कैफे को स्टारबक्स कंपनी चलाती है और अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसे होटल क्यों चलाती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे होटल चलाने का मकसद है कि उन लोगों को भी नौकरी मिल सके जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। दोस्तों आपने टिट फॉर टैट वाली कहानियां तो सुनी होंगी, तो आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूं उसी से मिलता जुलता। 2013 में चीन में एक व्यक्ति को छोटी सी बात के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। उस व्यक्ति ने उस जुर्माने को सिक्के के रूप में दिया जिस कारण वहां की सरकार को लगभग 18 लोगों को दिन भर काम पे लगाना पड़ा उन सिक्कों को गिनने के लिए। अभी आप जिन्हें पीछे देख रहे हैं वो दुनिया के सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने World War I, World War II और Cold War जैसी घटनाएं देखी हैं और अब इन्होंने COVID-19 को भी हरा दिया है और इनकी उम्र 119 साल है और इनका नाम है केन तनाका। दोस्तों फ्रांस के कुछ हिस्सों में लोगों को मरने से पहले खुद के लिए ही कब्रिस्तान में जगह खरीदनी पड़ती है। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है तो उसके शरीर को गाड़ने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।